बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है। मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। इसलिए इसमें हमने अपने को दे दिया है। दुनियावी लाइफ नहीं, दुनियावी लाइफ तो बेकारी लाइफ है, ये पवित्रता की लाइफ हमको बहुत अच्छी लगी। तो फादर को भी मना कर दिया कि हम मैरिज नहीं करेंगे, हम बाबा की होकर के रहेंगे। बाबा हमेशा कहता था पहले तो आपको निश्चय चाहिए, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, तो निश्चय रखना जरूरी है, फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय के आधार से पवित्रता जीवन धारण सहज हो सकेंगे। निश्चय नहीं है, न सेल्फ में निश्चय न बाप में निश्चय, तो डगमग होती है, फिर वो दुनिया खींचती है। भाई ये निश्चय है कि भगवान हमको परा रही है। और ड्रामा, मम्मा को ड्रामा बहुत याद आता था, जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। मम्मा को याद है कि मेरा पार्ट इसमें है और मेरे को सारे विश्व का कल्याण करना है, ये लक्ष्य रखा, तब तो विश्व की महारानी बनी। विश्व का कल्याण कैसे करें, पहले तो मुख से वाणी बोले, वो भी थोड़े, पर तो मनसा मम्मा ने बहुत सेवा की। मनसा से सारे वर्ल्ड का चक्कर लगाती थी, सवेरे सवेरे उठ करके 2:30 बजे सारी दुनिया की आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देती थी। बाबा से सकाश लेना और दुनिया को सकाश देना, उसमें मामा का साक्षात्कार कईयों को हुआ। बाबा का साक्षात्कार कईयों को घर बैठे हुआ, तो खींच खींच करके यज्ञ में आने लगी। बांदेलियों का भी पाठ बहुत चला, संघर्ष बहुत चला, क्योंकि स्त्री पुरुष है, पुरुष कहे कि हमको तो विकार चाहिए, बहन कहती है मैं तो ज्ञान अमृत पीऊंगी, तो झगड़ा तो चलता था। लेकिन अभी दोनों इकट्ठे चलते हैं तो शांति, घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है, जहाँ अपवित्रता है विकार है तो दुख है शांति है। तो जब भाइयों ने भी ये रियलाइज किया तो घर बैठे दोनों युगल है, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार आ गई ना, समझ आ गई, तो दोनों ही पवित्र रहे और घर घर स्वर्ग बनने लगा। तो बाबा ने कहा यहाँ मेरे बच्चे जो आते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, उनके भी कभी कभी माया की प्रवेशता हो जाती है, तो कौन सा उसको ऐसा देवे जिसमें पक्के रहे। तो भाई भाई की दृष्टि, तुम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा सब है, तो उसमें विकार की दृष्टि तो जा नहीं सकती। तो ये बाबा ने अभ्यास कराया। तो कभी कभी माया प्रवेश होती है, क्योंकि हम सभी की युद्ध चलती है माया के साथ में, देखें ये पक्का है या नहीं है, माया भी तो परीक्षा लेती है। तो अंत तक बाबा कहते ये परीक्षा आएंगी, जैसे वो सर्प और सीढ़ी का खेल देखें लूडिया आता है, तो वो चलते चलते है सीढ़ी आती है तो चल, पुरुषारथ की सीढ़ी आती है तो चढ़ जाते हैं, और सर्प आया उसने फिर नीचे गिरा दिया। तो 900 है उसमें मार्क्स, 98 पर भी एक सर्प बैठा है। जहाँ तक जीना है ये संग लेना है, अमृत पीना है,
इसलिए फिर बीच बीच में जब ये परीक्षा पेपर आता है तो कहीं नीचे गिर जाती है। फिर बाबा कहते थे देखो 25 वर्ष वाला चलते चलते माया आ गई, भागंती हो गया। अरे भगवान पढ़ाते थे तुम भागंती क्यों हुए? तो कईयों का भी निमित्त वो बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है ऊँचे थे ऊँची, कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई पास होता है। इसलिए 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर 16,000 की माला, फिर 9,00,000 की माला। अब बीबी दादी कहती है 9,00,000 कहाँ तैयार हुए हैं? आप तो आएंगे ना माला में, सभी बोलो आप आएंगे माला में? हाँ, कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे, 8 में या 108 में? निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त तर तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।